अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मसाले वाली फ़िश। ये बहुत ही सिंपल सी फ़िश है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 टेबल स्पून लेमन जूस चाहिए। इसके बाद हमें 1/2 कप ऑयल चाहिए। 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चाहिए। 2 टेबल स्पून नमक चाहिए और 2 ही टेबल स्पून फिश मसाला चाहिए। और 1 ग्रीन पेपर को हम छोटे स्लाइस में काट लेंगे और 2 टमाटर को भी हम इसी तरह छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसी तरह 2 ऑनियन के स्लाइस भी कर लेंगे। अच्छा, फ़िश के मैंने 5 पीसेस लिए हैं, इसके मैंने 2 स्लाइस कर लिए हैं। चलिए अब हम फ़िश को मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून हमने फ़िश मसाला डालना है। उसके बाद हमने इसमें 3 टेबल स्पून लेमन जूस डालना है और 1 गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट डालनी है। और लास्ट में हमने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अब हम एक फ्राई पैन लेते हैं, इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने के बाद हमें अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन करना। ये देखें, लाइट सा ब्राउन करना है। फिर हम इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट को थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और फिर 1 ही टेबल स्पून वो फिश मसाला वो डाल देंगे और बाकी का जो लेमन जूस बचा था वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से बन गया। अब हम इसके अंदर फिश के पीस रख देंगे। ये देखिए सारे पीसेस फिश के पीसेस रख दिए हैं। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए अब 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अब हम इसको भी कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। हम फिर इसकी एक दफ़ा साइड चेंज कर लेंगे। हमारी फिश रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे लेमन और ग्रीन पेपर की। देखिए कितनी अच्छी लग रही है फ़िश। बहुत ही आसान सी फ़िश है, आप घर में बना सकते हैं आसानी से। प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये फ़िश कैसे बनी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।